हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवशीष किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसर की स्पेशल चावल वड़ी की सब्ज़ी। चावल वड़ी यानी कि जिसे चावल और वड़ी की सब्ज़ी से बनाया जाता है। बेसिकली इसे यह एक ट्रेडिशनल सब्ज़ी है जिसे पंजाब के घरों में ज़रूर ज़रूर बनाया जाता है और यह बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसे एक बार खाएंगे तो उंगलियाँ ही चाटते रह जाएंगे। आप इसे रोटी के बजाय ऐसे ही पूरी चट कर जाएंगे। एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखिए और फिर बताइए कि आपको कैसे लगी। चलिए शुरू करते हैं हम चावल वड़ी की सब्ज़ी बनाना। उसके लिए हमने लिए हैं 1 ग्लास चावल। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने जीरा लिया है, हींग लिया है, बेसिक से मसाले हैं सूखा धनिया पाउडर, साथ में लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन, प्याज और साथ में टमाटर। ये है मेन इंग्रेडिएंट वड़ियाँ, जो कि हमने घर की बनी हुई उड़द दाल की वड़ियाँ ली हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे मूंग दाल की वड़ियाँ भी ले सकते हैं जो कि हमारे घरों में बनती हैं अक्सर। और इसके लिए हम घी ले रहे हैं। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। हम यहाँ पर 1 कड़छी घी ले रहे हैं और हल्का सा और ज़्यादा घी थोड़ा सा डालेंगे, ये मेल्ट हो जाएगा, अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर वड़ियों को फ्राई करेंगे। हमें वड़ियों को जब घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आपको वड़ियों को फ्राई करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसे मध्य आंच पर ही फ्राई करना है, क्योंकि हम इसको जब तलेंगे तो यह एकदम से काली नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये डार्क कलर की हो गई तो इसका जला जला सा स्वाद आएगा। तो जब आपका घी गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर ये वड़ियों को डाल लीजिए और वड़ियों को थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में लीजिए, क्योंकि वड़ियाँ जितनी ज़्यादा होती है ना उतना ज़्यादा ही इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए, बस इस तरीके से हम हल्के हल्के हाथ से इसे चलाएँगे। यदि आप तेज़ चलाएँगे कड़छी तो यह टूट जाएंगी। ये देखिए, ये हो चुकी हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप इसे जब तल के बनाएंगे तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है और यह टूटती भी नहीं है। यदि हम इसे ऐसे ही डाल देंगे बिना तले तो यह टूट जाएगी। और हमने इसे जिस घी में तला है तो वापस जो इसके साथ घी आ गया है वह भी उसी के अंदर ही वापस चला जाएगा सब्जी में। बस इस तरीके से हमने सारी वड़ियों को बाहर निकाल लिया है और इसी घी में ही हम बचे हुए घी के अंदर ही आगे सब्जी को भी बनाएंगे। हमें एडिशनल घी डालने की या तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें हींग डालेंगे। हींग के बाद आप इसमें जीरा डाल लीजिए। ये ऑलरेडी इतना गर्म है कि इजीली सारी चीज़ें जल्दी जल्दी ही फ्राई हो जाएंगी। उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे। लहसुन को 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमें बहुत ज़्यादा इसमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस लहसुन हो गया। उसके बाद आप इसके अंदर प्याज डाल दीजिए और प्याज को भी लाइट पिंक होने तक फ्राई कीजिए। जब ये लाइट पिंक कलर के हो जाएंगे बस उससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये देखिए, बस ये हमारे प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। प्याज जब लाइट पिंक हो जाए तो हम इसके अंदर टमाटर और अदरक दोनों को एक साथ ही डाल देंगे। अदरक को यदि हम पहले डाल देते हैं तो वह चिपकने लगता है, तो इसलिए हम इसे टमाटर के साथ यदि डालेंगे तो यह चिपकेगा भी नहीं। तो बस अब ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसकी जगह अब हम यहाँ पर टमाटर और अदरक को भी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर लहसुन और अदरक को बारीक बारीक चॉप किया है, आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं। हमने यहाँ पर खड़े मसालों का उपयोग नहीं किया है, यदि आप चाहें तो खड़े मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसलिए नहीं उपयोग किया कि हमारी वड़ियाँ जो हैं उसमें भी खड़े मसाले डले हुए हैं। तो यदि आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें खड़े मसालों का उपयोग भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे टमाटर जब तक हो रहे हैं तब तक हम एक बाउल में
चावल ले लेते हैं जो हमने निकाले हैं, इसे हम जब तक वॉश करके एक साइड में रख लेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर हो चुके हैं, बस इसको हल्की थोड़ी सी देर फ्राई करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद इसमें बेसिक से जो हमारे मसाले थे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, बस इन सबको इसमें डाल लीजिए। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, और सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है हमने ताकि मसाले जो हैं वो जलने ना लगे। और इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए और भून लीजिए सूखे मसालों को भी। और इसके बाद में हमने 1 गिलास चावल लिए थे तो हम इसके अंदर 2.5 गिलास पानी डाल रहे हैं। पहले आप पानी थोड़ा कम ही रखिए जब आप कुकर खोलेंगे, और उसके बाद यदि आपको लगे कि ये जो है गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और यदि आपको ऐसे ही खाना हो बिना रोटी के तो आप इसमें पानी जो है वो कम ही डालिए, तो ये बिल्कुल खिचड़ी और पुलाव जैसी हो जाएगी। आप वैसे भी इसे खा सकते हैं। बस इसी स्टेज पर हम इसमें चावल डाल देंगे, और चावल डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए एक बार करछी से। और मिक्स करने के बाद हम कुकर की लेट लगाकर इसे तकरीबन 3 सीटी आने तक के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, और इसी स्टेज पर हम इसके साथ में ही वड़िया भी डाल देंगे, क्योंकि यदि हम इसके बाद में वड़िया डालते हैं तो वड़िया जो है वह एकदम कड़क कड़क आएंगी, और इस स्टेज पर डालते हैं तो वड़ियों का फ्लेवर पूरी सब्जी में आ जाता है, क्योंकि हम चोल वड़ी की ही सब्जी बना रहे हैं तो पूरी सब्जी में इसका फ्लेवर आना चाहिए। बस कुकर को बंद कर दिया है हमने, 3 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, आपके सभी घरों में इसे ज़रूर बनाया जाता है क्योंकि ये वहाँ की बहुत फेमस डिश है। और वैसे तो वड़िया कई प्रकार की बनती हैं, कुछ लोग उड़द की दाल की वड़ी बनाते हैं, कुछ लोग मूंग दाल की वड़ी बनाते हैं, और कुछ लोग हरे चने और दाल की वड़ी भी बनाते हैं, और जिसे बनाकर हम स्टोर करके रखते हैं, और जब भी कोई सब्जी ना समझ में आए तो इसे हम तुरंत बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप भी वड़िया बनाइए और इसको सब्जी को बनाकर देखिए। ये देखिए कुकर की भाप निकल चुकी है, अब हम इसे खोल रहे हैं। खोलने के बाद आप इसे अच्छे से हिला लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। यदि आप इसे पुलाव की तरह खाना चाहते हैं तो ऐसे ही खा सकते हैं, और यदि इसे आपको खिचड़ी की तरह खाना है तो इसमें थोड़ी क्वांटिटी में पानी डालिए। और यदि आप इसे रोटी के साथ सर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिए ताकि ये बिल्कुल सब्जी की तरह हो जाए। बस इस स्टेज पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। हम तो इसे ऐसे ही खाएंगे, आप कैसे खाना पसंद करेंगे वह आप पर डिपेंड करता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर खाकर देखिए और फिर अपने कमेंट्स बताइए कि आपको कैसे लगा। एक बार आप बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और ऐसे ही पूरी चट कर जाएंगे। तो आप भी बनाइए, खाइए और आप के कमेंट्स बताइए कि आपको कैसा लगा। और यदि अच्छी लगी हो रेसिपी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।